ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, हम 11वां स्कंद कर रहे हैं, 29th चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम है भक्ति योग। और इस चैप्टर में 49 श्लोक हैं और नाम भक्ति योग है, सो यू कैन अंडरस्टैंड कंटेंट क्या है। श्री उद्धव कह रहे हैं, श्री उद्धव अवाचक, सुदुस्तराम इमाम मन्ने योग चर्याम अनात्मनः यथा अंजसा पुमान सिद्धे तन्मे ब्रूही अंजसा अच्युता। सो उद्धव कह रहे हैं, एक्चुअली उद्धव और भगवान के बीच में डिस्कशन चल रही है, और उद्धव कह रहे हैं कि सुदुस्तराम इमाम मन्ने। सो भगवान ने इससे पहले इसके प्रीवियस चैप्टर्स में ज्ञान योग एक्सप्लेन किया है कि और कर्म योग कि पाथ ऑफ नॉलेज या पाथ ऑफ एक्शन और ध्यान योग स्पेशली, मतलब अष्टांग योग जो कहते हैं, चक्र कुंडलिनी। सो उद्धव कह रहे हैं, वेल सुदुस्तराम इमाम मन्ने, मेरे लिए बहुत सुदुस्तर है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, वेरी डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट, वेरी डिफिकल्ट। हाँ, मतलब ऑल दिस प्रोसेस, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, बहुत मुश्किल है करना, क्योंकि ध्यान योग और ज्ञान योग में तो आपको सुपर इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते, और सुपर क्या कहते हैं उसको, यू हैव टू बिकम एन एसेटिक, एसेटिक बनना पड़ेगा। एसेटिक मतलब कि ध्यान योग करने के लिए आपको जंगल में जाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जंगल में जाके तपस्या करना, वो सब पॉसिबल नहीं। और कर्म योग करने के लिए निस्वार्थ होना पड़ता है, समाज मतलब निस्वार्थ होके आपको सेवा करनी है। कर्म योग भी कैसे करोगे, क्योंकि सभी गंदे लोग हैं, इट्स डिफिकल्ट टू डू दैट। सो उद्धव ने कहा कि ये तो बहुत मुश्किल है, सोसाइटी खराब है, इसमें कर्म योग करना इम्पॉसिबल है। मतलब आप अगर बिल्कुल निस्वार्थ होके क्लीन काम करना चाहते हो, कर नहीं सकते सोसाइटी में, फोर्स होके आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी पड़ेगी, स्पेशली सेल टैक्स बचाने के लिए, तो टाइम बचाने के लिए सब करते ही है, व्हाट यू डू अदरवाइज खाली हो जाओगे, क्योंकि गवर्नमेंट ही गुंडे हैं ना, प्रॉब्लम ये है। भागवत ने कहा कलयुग में गवर्नमेंट डाकू होगी, दस्यु राजा, ये वर्ड इस्तेमाल किया, दस्यु मतलब डाकू, राजा मतलब किंग्स, दे विल एक्सप्लॉयट पीपल। सो सुदुस्तराम इमाम मन्ने, मेरे लिए मुश्किल है, उद्धव ने कहा योगाचर्याम अनात्मना, ध्यान योग इसलिए मुश्किल है क्योंकि माइंड अनकंट्रोल्ड है, कैसे ध्यान लगाओगे बैठे। सो योगाचर्याम अनात्मना, उद्धव कह रहे कि मुझे और कोई योग का प्रोसेस बताइए जिससे मैं जल्दी से, यथा अंजसा पुमान सिद्धियत, जल्दी से कोई भी व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर ले। सिद्धि मतलब कृष्ण प्रेम, जल्दी से भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए। तन में ब्रूही अंग्य अंजय अच्युता, और भगवान मुझे इस तरह एक्सप्लेन कीजिए कि मैं आराम से समझ पाऊँ। तो अंजसा मतलब होता है सिंपली, क्योंकि जनरली एक्सप्लेनेशंस होती हैं, मगर पहले बात तो एक्सप्लेनेशंस होती नहीं भक्ति की, होती भी हैं तो इतनी मुश्किल होती है कि वो चीज़ें समझ नहीं आती। तो उद्धव ने बेसिकली कहा कि भगवान, देयरफॉर प्लीज एक्सप्लेन टू मी इन सिंपल टर्म्स हाउ समवन कैन मोर इजीली एग्जीक्यूट इट। सो महान लोग यही होते हैं, महान व्यक्ति और साधारण व्यक्ति में क्या फर्क होता है, महान व्यक्ति वो है, साधारण व्यक्ति वो है जो भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करता है अपने लिए, मगर महान व्यक्ति वो होता है जो भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करता है दूसरों के लिए। नाउ देयर इज अ डिफरेंस, जैसे बुद्धा था, जो बुद्धा थे, जो बुद्धा सिद्धार्थ, सो लेफ्ट हिज हाउस, तो सिद्धार्थ ने एक बूढ़े आदमी को देखा नहीं, और सिक मैन, डेड मैन,
और फिर उन्होंने सोचा कि, तो उन्होंने क्या सोचा, ओके वेल, उन्होंने नहीं सोचा कि चलो लेट मी गेट लिबरेशन, नहीं, उन्होंने सोचा कि इस सफरिंग से निकलने का कोई रास्ता होना चाहिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं सबके लिए, ये डिफरेंस है. एंड देन ही वेंट आउट कि मैं एक ऐसा रास्ता ढूंढूंगा जो सबके लिए इजी एक्सेसिबल है. और इनफैक्ट बुद्धा को जब एनलाइटमेंट हुई तो एनलाइटमेंट के बाद भी ही वॉज थिंकिंग कि ये टीचिंग्स कॉमन आदमी के लिए समझने के लिए बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट. सी वॉज मेडिटेटिंग, मतलब आफ्टर एनलाइटमेंट ही वॉज मेडिटेटिंग फॉर आई थिंक 48 days कुछ, वॉज जस्ट सिटिंग. और ही वॉज मेडिटेटिंग कि कॉमन आदमी को कैसे एक्सेसिबल हो ये नॉलेज. सो उद्धव एक्चुअली क्वेश्चन भगवान से अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी पूछ रहे हैं. महान आदमी वही है जो कि दूसरों के लिए काम करता है, साधारण आदमी वो होता है जो अपने लिए काम करता है, चाहे भक्ति करो. सो प्रभुपाद और हम में क्या फ़र्क है, वो भी सोलह माला कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, वो भी लेक्चर दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूँ, वो भी भागवतम पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं. सो फ़र्क ये है कि वो दूसरों के लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं, बस इतना फ़र्क है और कुछ नहीं. सो जिस दिन आप दूसरों के लिए करना शुरू कर दोगे, सुहृदम सर्वभूतानां, तो बताया था मैंने दूसरों के लिए, उस वक्त पूरा लोग ही नहीं पूरा ब्रह्मांड आपकी हेल्प करना शुरू कर देगा, नेचर आपकी हेल्प करना शुरू कर देगा. ये स्वार्थी व्यक्तियों की कोई हेल्प नहीं करता, वो लड़ते झगड़ते रहते हैं. बट इनफैक्ट भागवतम यहीं से शुरू हो रही है. शौनक ऋषि और अश्वता गोस्वामी, उनके बीच में डिस्कशन चल रही है ना, तो शौनक ऋषि और जितने भी ऋषि मुनियों ने अश्वता गोस्वामी से क्या पूछा कि आप प्लीज हमें ऐसा तरीका बताइए लिबरेशन का जिससे लोगों का कल्याण हो. तब शौनक ऋषि ने कहा कि आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि लोगों के बेनिफिट के लिए इसलिए मैं आंसर करूंगा आपको, अदरवाइज वाई टू वेस्ट टाइम. सो तन में ब्रू ही अनिश अंग्य अच्युता, ब्रीफ एंड सिंपल आइडिया, ये ब्रीफ एंड सिंपल. सो उद्धव ने फिर कहा कि प्रयास पुंडरीकाक्ष, गलत लिखा है, युंजन तो योग है ना मना. सो इस संसार में बड़े बड़े योगी होते हैं, योगिनो मना, अपना मन लगाने की कोशिश करते हैं बहुत प्रयास से. 11th canto 29th chapter 2nd verse. विशिदंती असमाधान, और बहुत मुश्किल से वो समाधि तक पहुंचते हैं, तपस्या करके, योग करके, प्राणायाम करके, कुछ अनशन करके, फास्टिंग करके बैठे रहते हैं और बहुत मुश्किल से पहुंचते हैं. विशिदंती, विशिदंती मतलब होता है, बट विशिदंती मतलब होता है कि बहुत सफरिंग्स के बाद, बहुत सौरोस के बाद, प्रभुपाद लिख रहे हैं बहुत फ्रस्ट्रेशन के बाद. और मोस्टली क्या होता है, मनोनिग्रह कर्षिता, माइंड को कंट्रोल करते 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 99% लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि माइंड इज गॉड, कृष्णा कह रहे हैं जितनी भगवान में पावर है उतनी माइंड में पावर है. अब माइंड को आप बच्चों की तरह नहीं ले सकते, उतनी पावर, यू कैन इमेजिन, उतनी पावर है. सो मोस्टली हम लोग तो माइंड के कंट्रोल में ही चल रहे हैं, हम लोग, हमें खुद भी नहीं पता, हमारे रिफ्लेक्सेस नहीं, हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, हमारे पैशंस, हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स सब हमें कंट्रोल कर रहे हैं, हम जकड़े हुए हैं, इसको कहते हैं बॉन्डेज. सो प्रभुपाद लिख रहे हैं, विदाउट शेल्टर ऑफ सुप्रीम लॉर्ड योगी इजीली बिकम्स डिस्करेज्ड इन डिफिकल्ट टास्क ऑफ फिक्सिंग हिज माइंड ऑन सुप्रीम. सो भगवान के बिना ना डिस्करेजमेंट हो जाती है. ऐसा नहीं है कि भक्तों के लिए भी आसान है माइंड को कंट्रोल करना, उनके लिए भी मुश्किल है, मुश्किल जो मुश्किल है वो तो मुश्किल है ही. बट भक्तों के साथ फायदा यह है कि हम कभी डिस्करेज होते हैं, कभी माइंड लो जाता है, तो हमें पता है हमारे साथ भगवान हमें उठा लेंगे. ज्ञानियों के साथ ऐसा कुछ नहीं है, ध्यानी वो तो अकेले है ना, वो तो अपने अकेले बैठे बैठे किसी भी फ्रस्ट्रेट हुए, लो हुए, चलो छोड़ो यार. इसलिए मोस्टली जो आजकल जो ध्यानी ज्ञानी गुरुज होते हैं मोस्टली कई सालों की तक, मैं तो हरिद्वार ऋषिकेश में रहा हूँ कई बहुत टाइम तक, और
ये जो मोस्टली जो आश्रम खोल के बैठ जाते हैं चिन्मयानंद जो भी वॉट एवर इट इज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उनके स्वामी जी से मैं मिला हूँ तो वो कई साल तपस्या करते हैं 20 साल 25 साल और उसके बाद रिजॉर्ट बना के बैठे, सीरियसली कुछ नहीं हो रहा और उससे उनका फाइनेंस चल रहा है, या धर्मशाला खोल देते हैं, ऋषिकेश में धर्मशाला है अपना खुल जाके चलता है, क्योंकि आप माइंड को कंट्रोल, आप पागल हो जाओगे, थक जाओगे, टायर्ड हो जाओगे, ज़्यादा लड़ोगे झगड़ोगे तो, इनफैक्ट चैंटिंग में भी ऐसी होता है, चैंटिंग में ज़्यादा लड़ोगे झगड़ोगे तो थक जाओगे, होता नहीं होता, फिर थक जाते हैं, फिर मन नहीं लगता, फिर नींद आती है, होता नहीं होता, तो लड़ने झगड़ने से काम नहीं होता, चैंटिंग में मन तब लगता है जब हम भगवान को अपना माइंड सरेंडर कर देते हैं कि भगवान आप संभालिए, ये हमसे तो नहीं संभाल, जहाँ तक हमारा सवाल है हम तो आपका नाम लेते रहेंगे, हमारा काम है आपका नाम लेना, अब आपका काम है हमारा मन संभालना, हमसे तो नहीं होगा, बस हम इतना कर सकते हैं और इतना करना भी है। सो नाम लेने में कितनी, तो नाम लेने में क्या आप मतलब भगवान का नाम लेने में कितनी शक्ति लग रही है, कुछ नहीं, हरे कृष्णा हो गया, मगर माइंड कंट्रोल करने में कितनी शक्ति लग रही है। सो हम इसलिए कहा जाता है ना, हम एक कदम लेंगे भगवान 10 भी कम है 100 आई थिंक मिलियंस ऑफ कदम लेते हैं, दस तो फिगर रहते हैं, हमें पता भी नहीं कि वो हमारी कितनी हेल्प कर रहे हैं, एक्चुअली हमें खुद भी नहीं पता, भगवान हम जितना सोचते हैं उससे करोड़ों गुना ज़्यादा भगवान हमारी हेल्प कर रहे हैं, करोड़ों गुना होगा, बट प्रॉब्लम है कि हमें दिखाई नहीं दे रही चीज़ें। और फिर एक दिन लोग कहते हैं कि भगवान आपने मेरी मदद नहीं की, जैसे बच्चे पेरेंट्स को कहते हैं ना कि आपने कुछ नहीं किया, तो पेरेंट्स को कैसा लगता है, मतलब उन लोगों तो मतलब पूरे शैटर्ड हो जाते होंगे यार, पूरी लाइफ लगा दी और ये कह रहे हैं ऐसा, ऐसी भगवान है, आप लोग कहते हैं आपने कुछ नहीं किया, हेल्प नहीं की, और भगवान को कितना दुख पहुँचता होगा, सब कुछ मैं इसके लिए करता हूँ और इसको पता ही नहीं लगा। सो मनो निग्रह आकर्षिता, सो योगियों के साथ ये होता है सर, योगी लोग भगवान की शेल्टर नहीं लेते, खुद ही ट्राई करते रहते हैं और अल्टीमेटली फेल हो जाते हैं, इसीलिए उद्धव कह रहे हैं अथात आनंद दुघम पदाम्बुज हमसा श्रयेन अरविंद लोचना, उद्धव कह रहे हैं कि हे भगवान, हे अरविंद लोचन, अरविंद लोचन मतलब कमल रूपी नयन जिसके हैं आप, मतलब भगवान को ऐसे एड्रेस कर रहे हैं अरविंद लोचन कि आप अपने सॉन्ग आते हैं ना कृपा दृष्टि दृश्यादि दिनम बतानो, कि आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर डालिए और मुझे ऐसा रास्ता बताइए कि जिससे मैं सुखपूर्वक, सुखम विश्वेश्वर योग कर्म भी, सुखपूर्वक मैं आपको प्राप्त कर पाऊँ और इजीली मैं आपकी शरण लेके इस माया को पार कर जाऊँ सुदुस्तरा। इनफैक्ट उद्धव ऐसे ऐसे भक्तों को जो भगवान की शरण ले रहे हैं उनको हम्स कह रहे हैं, हम्स मतलब जो दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं, हम्स वही है ना। सो जो व्यक्ति समझ जाए कि भगवान की शरण लिए बिना और कोई भी तरीका काम नहीं कर सकता, भगवान की शेल्टर ले रहे हैं बस, बाकी सारे प्रोसेसेस अलग कर दें, भक्तियों को फुली सरेंडर कर दें, ज्ञान योग कर्म योग ध्यान योग लाभ लाभ पुण्य पाप सब अलग हो गया, कोई मिक्सचर नहीं है, कोई हम सो गया ना, कोई मिक्सचर नहीं है। सो उद्धव यहाँ पे एम्फोसाइज कर रहे हैं कि भगवान की भक्ति करने से, मतलब खुद ही इंडिकेट कर रहे हैं कि भगवान आप भक्ति योग के बारे में चर्चा कीजिए, और इनफैक्ट उद्धव कह रहे हैं किम चित्रम अच्युता तवई तत् अशेष बंधु, कि हे कृष्णा इतने विचित्र बात है और इतने आश्चर्य की बात है, किम चित्रम कि जो आपकी शरण लेता है आप उसके बंधु बन जाते हैं, मतलब हम तो भगवान के पास आए उनके पैर छूने और भगवान ने हमें गले लगाए, अब बड़ी उसे ऐसा व्यक्ति, मतलब आप ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहोगे, तो उसको कहते हैं बंधु, अशेष बंधु,
दासेशु अनन्य शरणेशु यत आत्म सत्वम, जो आपका दास बनने आता है आप उसको अपना फ्रेंड बना लो, और आपका फ्रेंड बनने आता है आप उसको अपना इंटीमेट पार्षद बना लेते हैं। सो आपकी तरफ से तो आप ओपन है, बस हमारी तरफ से हमें आपकी शरण लेनी है। इनफैक्ट चैतन्य चरितमृत महाप्रभु कह रहे हैं कि दास जिसके जिसको दास अभिमान है, दास अभिमान का आनंद इतना ज़्यादा है कि करोड़ों ब्रह्मांड के सुख भी उस सुख के सामने एक बिंदु के समान है। So you understand, दास अभिमान ये वर्ड आता है, मतलब या मतलब हम प्राउड हैं कि वी आर सर्वेंट्स ऑफ कृष्ण और वी आर ट्राइंग टू बी सर्वेंट्स ऑफ कृष्ण, दैट्स ये प्राइड। अच्छा प्राइड है, बुरा प्राइड नहीं है, बुरा प्राइड है कि वेल आई एम दिस एंड दैट, ये अच्छा प्राइड है कि आई एम सर्वेंट ऑफ लॉर्ड, आई एम ट्राइंग टू बी सर्वेंट। सो उद्धव ने बोला, और फिर उधर कह रहे हैं तम तवा अखिलात्मा दहितेश्वरम आश्रितानाम। उधर कह रहे हैं कि हे कृष्णा, हु कैन डेयर टू रिजेक्ट यू, मतलब दैट्स अ बिग डील। मतलब उधर कह रहे हैं कि प्रभुपाल लिख रहे हैं, हु कैन डेयर टू रिजेक्ट यू द वेरी सोल एंड द मोस्ट डियर ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप एंड द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ। सो मतलब वही भगवान को रिजेक्ट करने का मतलब है कि आपने अपने पेरेंट्स को रिजेक्ट किया। आप लोग कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, पेरेंट्स को कौन भी चेक करेगा, अंडे लेने तो बिल्कुल ही कमी ना भी ना हो। सो भगवान तो तुम्हें वो माता पिता को, मतलब भगवान को रिजेक्ट करना, भगवान को रिजेक्ट वो ही करते हैं जिनकी नेचर बिल्कुल ही लीचड़ और कमीने लोग, वही करेंगे रिजेक्ट, वही उनकी शरण नहीं लेंगे, वही उनको थैंक्स नहीं करेंगे और वही उनका नाम नहीं लेंगे। को वा भजेत किम अपि विस्मृयते न भूयात्, Who could be so ungrateful knowing the benefits you bestow? So, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब उद्धव पूछ रहे हैं भगवान से भक्ति क्या है, मगर खुद ही भक्ति एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये भक्ति नहीं है तो और क्या है, भक्ति के हाईएस्ट लिमिट है। तो उद्धव में तो भक्ति है, तो फिर भगवान से क्यों पूछ रहे हैं भक्ति के बारे में बताने के लिए, कि इससे मतलब ऑफ कोर्स अगर कोई और बोलेगा भक्ति के बारे में तो शायद हमें विश्वास नहीं, अगर भगवान खुद ही बोल रहे हैं दैट्स वन पॉइंट, दैट्स मोस्ट ऑथेंटिक। नहीं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है अभी भगवान से सुन लो। और दूसरी बात यह है कि कोई भी डिवोटी है, चाहे नारद मुनि हो, चाहे उद्धव हो, चाहे यमराज हो, चाहे कपिल मुनि हो, बड़े बड़े महाजन भीष्म पितामह, उनकी जो एक्सप्लेनेशन होगी और जो भगवान की एक्सप्लेनेशन होगी उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा नहीं। तभी तो उन्होंने कहा कि ब्रीफली एंड सिंपली, मतलब आप जितने भी पुराण पढ़ लो, वेद तो चलो आप पढ़ ही नहीं सकते, और उपनिषद पढ़ लो थोड़े, पुराण पढ़ लो और गीता पढ़ो और भागवत पढ़ो, तो गीता की संस्कृत और गीता का मैसेज इतना सिंपल और इतना डायरेक्ट है और इतना डीप है कि कोई बुक इसके कंपेरिजन में नहीं है। बाकी आप पढ़ के देखो, उनकी संस्कृत डिफिकल्ट है, और मैसेज पढ़ के देखो घुमा फिरा के। गीता का गीता मतलब बच्चे भी लर्न कर लेते हैं, नहीं संस्कृत को बच्चे लर्न करते हैं, नहीं भागवतम का कभी कॉन्टेस्ट सुना है, गीता कॉन्टेस्ट होता है इसके क्या संस्कृत। सो भगवान इतना सिंपल संस्कृत बोल रहे हैं, इतना सिंपल मैसेज बोल रहे हैं कि एटलीस्ट समझ आ जाएगा आपको, फॉलो तो धीरे धीरे होगा, पहले समझ तो आए, भागवतम पढ़ोगे समझ भी नहीं आएगा हैं? नहीं गीता की संस्कृत तो किसी को ही समझ आ जाती है, नहीं आप थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करो, बच्चों की लगती है, अभी आपने टफ चीज पढ़ी नहीं ना इसलिए टफ लग रहा है। इन कंपैरिजन सो द कह रहे हु कुड बी सो अनग्रेटफुल नोइंग द बेनिफिट्स वी बेस्टो। सो भगवान की भक्ति हम क्यों करते हैं, उद्धव बता रहे हैं भगवान की भक्ति हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम इनडेप्टेड है, इनडेप्टेड ऋणी है, नहीं कृतज्ञ हैं कि भगवान हमारे इतना सब कुछ कर रहे हैं, मगर एक्चुअली उसके लिए आपको पता होना चाहिए क्या करते हैं। That's all. लोगों को पता नहीं इसलिए भक्ति नहीं कर रही, अगर आपको पता लग जाए तो क्यों ना करोगे। उसी को बोलते हैं ऐश्वर्य ज्ञान, भगवान की महिमा।
तभी प्रभुपाद कहते हैं यू शुड नो हाउ ग्रेट इज गॉड. सो हाउ ग्रेट इज गॉड का मतलब क्या है कि ऑफकोर्स उन्होंने संसार भगवान की ग्रेटनेस का संसार बनाया, सूरज चंद्रमा अग्नि वायु पृथ्वी जल हमारा शरीर, क्यों जानना है सब, क्यों जानना है, टू फियर हिम, टू नो हाउ मर्सीफुल ही इज, कि इतना सारा अरेंजमेंट किसके लिए, तुम्हारे लिए. अब देख रहा हूं क्यों बनाया चंद्रमा, क्यों सूरज बनाया, क्यों पानी, क्यों वायु, क्यों अग्नि. आप पूछोगे भाई तुम्हारे लिए बनाया है और क्या किया. सो इसलिए संसार को देखकर अगर किसी में नॉलेज है, नॉलेज की आंखों से देखोगे संसार को, तो ऑटोमेटिकली भक्ति शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिकली. तो भोगी और भक्त में ही फर्क है, इसी विजन का फर्क है. नहीं, भोगी संसार को देखते हैं, ऑटोमेटिकली भोग करना एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है, ऑटोमेटिक है, देखते नहीं. आप देखोगे कोई पेस्ट्री देखोगे, मन करेगा खा जाओ, स्पॉन्टेनियस है. गाड़ी देखोगे मन करेगा चलो चलाते. एक डिवोटी देखेगा पेस्ट्री तो उसका मन करेगा वो भगवान कितने अच्छे हैं कि इन्होंने इतनी सुंदर सुंदर चीजें हम लोगों के लिए बनाई है, इससे हम लोग खुश रहे. इसी डिफरेंस है नहीं है. सो एक मूर्ख इस संसार को देख के भोग करने की कोशिश करता है, और एक बुद्धिमान व्यक्ति संसार को देख के उस संसार में भगवान की कृपा अनुभव करता है. और क्योंकि कृपा अनुभव करता है फिर उसका मन करता है कि मैं भगवान के लिए करूँ. इसलिए प्रभुपाद ने कहा था कि भगवान को याद करना मुश्किल नहीं है, भूलना मुश्किल है. प्रभुपाद की सही है, अगर आप नॉलेज में हो तो भूलना मुश्किल है. ऐसे आपको पता है, ऐसे फॉर एग्जाम्पल ये क्या कहते हैं, सपोज आप किसी घूमने जाओ हिल स्टेशन, ठीक है, और वहाँ पे आप आराम से बैठे हो और बहुत शांति है. शिमला में आप मतलब बहुत ही शांति, आराम से बैठे दो दिन, आप यही चर्चा कर रहे हो कितनी शांति है, फ्रेंड्स है कोई हो. तो यहाँ पे लोकल बंदा आया और उसने कहा कि प्रभु जी आपको पता है कि यहाँ पे रोज सुबह शाम जो क्रशर्स नहीं होते, क्रशर्स क्रशर होता है ना वो, इन लोगों को नहीं पता ये सब, जो माइन करके पत्थर पीस के पाउडर बनाते हैं, उसकी आवाज सुनी है, किलोमीटर दूरों से आती है पहाड़ों में स्पेशली. तो उस गाय का भी सुबह शाम आपने सुनी है ध्यान से, वो क्रशर की आवाज आती है और दिमाग खराब हो जाता है. ओके मैंने तो नहीं सुनी, कि कल सुबह उठ के फिर सुबह उठे फिर आपने ध्यान से सुना तो क्रशर की आवाज आना शाम को सुना वो भी शुरू हो गई. फिर आप उसको डिलीट करना चाहोगे ना, नहीं होगा. फिर कहोगे मैं नहीं सुन रहा, वो नहीं हो सकता. एक बार सुन लिया आपने तो फिर अनसुना नहीं कर सकते आप. होता है ऐसा, होता है नहीं होता है, कभी कभी नॉर्मल भी आता है, अल्टीमेटली होता है. कभी होता है, कभी एक्सपीरियंस किया है, एक्सपीरियंस किया नहीं है कभी कभी. हाँ क्यों बता दिया, ऐसा आवाज ही आवाज आया जा रही है, अब तो पागल हो गया, पहले पता नहीं था अच्छा था मैं. या कभी 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 कान में भी आवाज़ आती है, टिनिटस होता है ना, टीन निकलती जाती है. वैसे बिजी होते ध्यान नहीं देते, जब ध्यान देना शुरू करते हो तो परेशान हो जाओगे, फिर हटेगी नहीं वो. घर में भी होता है, घर में भी होता है. हाँ पानी की आवाज होती है, पागल हो जाते हैं. नहीं हाँ हम लोग भी उत्तरकाशी गए थे तो हम बड़े खुश हुए, गंगा जी के किनारे हम रूम लेंगे आराम से रहेंगे. तीन दिन रहे कुछ नहीं हुआ, तीन दिन बाद फिर आवाज पानी की आवाज ही इतना तंग करने लगी, फिर बस दो दिन में छोड़ के आ गया, हमने कहा नहीं रह सकते. फिर वो अनसुना कर ही नहीं पा रहे थे. सो ऐसे एक बार आपने संसार को देखकर भगवान की कृपा अनुभव कर ली फिर उसको अनदेखा नहीं कर सकते. फिर आप कुछ भी देखोगे आपको भगवान की कृपा नजर आएगी. इसीलिए प्योर डिवोटीज का फॉल डाउन नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके लिए याद करना मुश्किल नहीं है, उनके लिए भूलना मुश्किल है. बस एक बार आपको इनसाइट चाहिए, वो एक बार आ गई, उसी को एनलाइटनमेंट कहते हैं, उसी को बुद्धिज्म में या उसी को आप भक्ति में
मुक्ति कह लो हमारे उपनिषदिक लैंग्वेज में, बस वो ही है। या उसी को कृष्णा कॉन्शियसनेस कह लो, सेल्फ अवेयरनेस कह लो, बहुत सारे टर्म्स हैं, बट अब अवेयर हो गए कि भगवान हर जगह, भगवान की मर्सी हर जगह, और फिर आप सेवा अपने आप करोगे, फिर उसके बाद भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको पता ही लग रहा है, लगी ना करोगे करोगे। इसलिए कह रहे हैं, हु कुड बी सो अनग्रेटफुल नोइंग द बेनिफिट्स यू बेस्टो, को वा भजेत किम अपि विस्मृतये न भूयात्। Who would reject you and accept something for the sake of material enjoyment? It simply leads to forgetfulness of you. So, कौन आपको छोड़कर भोग करना शुरू करेगा? क्योंकि भोग करने से तो आपको भूल जाते हैं। कौन मूर्ख है? कौन बेवकूफ है? आपको छोड़ के करेगा। And what lack is there for us who are engaged in service of the dust of your lotus feet? किम वा भवेत न तव पाद रजोजुषम न। और हमारे लिए क्या ऐसी कमी है, भक्तों के लिए क्या कमी है जो आपकी चरणों की सेवा करते हैं? So, उद्धव ने एक्चुअली एक श्लोक में भक्ति को समराइज कर दिया। भक्ति क्या है? उद्धव 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 भक्ति में सिर्फ चार शब्द बता रहे हैं, तो मुझे भक्ति क्या है तो चार चार शब्द है। वैसे तो कई डेफिनेशन हैं, बट अकॉर्डिंग टू उद्धव भक्ति मतलब चार शब्द। पहला है शरणागति, शरण लेना, उद्धव ने कहा कि आपकी शरण कौन नहीं लेगा। दूसरा है कि कृतज्ञता की भावना से भगवान की सेवा करना, जो मैंने कल बताया था, प्रसन्न आत्मा नहीं, कृतज्ञता की भावना से। और तीसरा है कि भोग नहीं करना, और चौथा है कि भगवान की रक्षा पे विश्वास, बस ये भक्ति और क्या है। सिंपल है, सिंपल लोगों के लिए, अगर सिंपली एक्सेप्ट कर लो, इंटेलिजेंस से नहीं, हार्ट से। इंटेलिजेंस से करना चाहोगे तो नहीं लगेगा, फिर नहीं होगा, आप फेल हो जाओगे। बुद्धि से नहीं काम चलता, ये हार्ट से चलना पड़ता है, ये कॉन्शियसनेस से चलना पड़ता है, फीलिंग से चलना पड़ता है। तर्क वितर्क से आप एक पॉइंट तक तो पहुंच जाओगे, मगर जो तर्क वितर्क इस्तेमाल किया ना, वही आपको भी नीचे खींच कर देगा। सो इसलिए भक्ति में हम ज़्यादा रिलाय नहीं करते तर्क वितर्क पे या लॉजिक पे। लॉजिक असिस्ट करता है, सब्स्टिट्यूट नहीं करता फीलिंग्स को। डिफरेंस है, असिस्टेंस असिस्ट करना, सब्स्टिट्यूट करना बहुत बहुत फर्क है। जनरली हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, है नहीं? जो नए नए डिवोटीज होते हैं ना, वो फीलिंग्स हटा के इंटेलिजेंस से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। नहीं, हम समझेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हाँ समझ आ गया, नहीं आया, वो नहीं आ सकता समझ। अब क्योंकि क्योंकि भक्ति डायरेक्ट लिंक्ड है ना अपने फीलिंग से, तो लिंक्ड है। अनग्रेटफुलनेस किससे लिंक्ड है? फीलिंग से तो लिंक्ड है, इंटेलिजेंस थोड़े ना है लिंक्ड। इंटेलिजेंस लगाओगे, हाँ भी तुमने कितना किया, चलो अकाउंट बनाते हैं, पेरेंट्स को बोल रहे हो, पेरेंट्स को बोल रहे हो आपने कितना किया, देखते हैं 50 साल में देख लेते कितना किया, मैं पे कर दूंगा, रिपे कर दूंगा, लो 3 करोड़ ले लो, हो गया काम खत्म, चलो निकलो। इंटेलिजेंस तो ये होगा। सो धर्म का पालन फीलिंग से होता है, तभी तो लोग जानते थे, तभी तो मर जाते हैं, प्राण जाए पर, तो ये क्या है, ये इंटेलिजेंस है, ये तो मूर्ता है। कोई भी गएगा पागल है तू, ये तू मर ही जाएगा तो बचन क्या करेंगे, प्राण जाए पर बचन ना जाए, तू मर ही गया तो सब कुछ चला गया। सो इट लुक्स फुलिशनेस, बट नो दैट्स नॉट द पॉइंट। सो इफ दिस इज फीलिंग, भोग ना करना ये भी फीलिंग का ही मैटर है, इंटेलिजेंस का मैटर नहीं है ये। इसलिए कृष्णा गीता में कह रहे हैं कि इवन अ मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन कैन फॉल डाउन, पढ़ा है? बहुत बुद्धिमान व्यक्ति सब कुछ जानता हुए भी एक भी सेंस आपके आउट ऑफ कंट्रोल हुई, फॉल डाउन हो जाएगा। मतलब विश्वामित्र ने केवल देखा ही था, नहीं केवल सुना था, मेनका के घुंघरू के पास, यानी जस्ट सुना था उसने, कुछ नहीं देखा भी नहीं। शौबरी मुनि ने देखा था सिर्फ दो मछलियों को, एनी फेल डाउन। सो
इंटेलिजेंस नहीं कर पाएगी आपको। भोग ना करना भी फीलिंग का ही मैटर है, आपको फीलिंग से कन्विंस होना पड़ेगा कि भाई मैं भोग करता हूँ। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, जब मैं भोग करता हूँ तो फ्रस्ट्रेशन होती है, होता नहीं होता, मतलब थोड़े बहुत इंजॉयमेंट होती है क्षण भर के लिए, मगर उसके बाद अल्टीमेट फ्रस्ट्रेशन होती है कि भैया क्या है ये। भोग करेंगे तो वीक पड़ जाओगे आप। प्रभुपाद कहते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन करने से आत्मा की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो वो खुद ही बदल जाएगा। भोग करोगे चैंटिंग में मन ही नहीं लगेगा, माइंड ऐसे लूज हो जाएगा। नहीं सो ये सारी चीज़ें आपको खुद एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी ना, ये कोई इंटेलिजेंस से आप कैसे समझोगे, समझ आ रहा है? मगर एक्सपीरियंस तो आएगा, वरना नहीं आएगा। नहीं हम तो चैंटिंग कर रहे हैं ना, हम लोगों को एक्सपीरियंस है। अब किसी नए आदमी को बताओ कि स्ट्रेंथ कम हो जाएगी भोग करने से, बोल क्या रहा है ये, भोग करने से स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, मतलब पहले तो भोग ही समझ नहीं आएगा उसको क्या हो रहा है। हम लोग कहेंगे पेस्ट्री खाना भोगा, वो कहेगा यार क्या मतलब पागल हो गया है, उसमें क्या रख, उसमें क्या है। मतलब यू डोंट टेल ऑल दीज थिंग्स टू पीपल। मैं जब मैं एक्चुअली कई साल पहले ना, तो एक डिवोटी थे मेरे, उसने एक यूथ था उसने ज्वाइन किया था मंदिर, तो मैं मंदिर में था तो उसने आ किया, वो अपना बैठा हुआ था, उठा उसने पंखा खोल दिया। उस टाइम मैं बहुत स्ट्रिक्ट था पहले, आई वॉज लाइक सुपर स्ट्रिक्ट। सो मैं तो मैंने उसको कहा कि तुमने पंखा क्यों खोला, तुम भोग करना चाहते हो? उसने कहा ये उसका माइंड ही आउट हो गया। उसने कहा आप मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो। वो डिस्टर्ब ही हो गया, दो दिन तक डिस्टर्ब बैठा रहा। मैंने क्या हो गया भाई? उसने कहा आपने ये कैसे कहा था कि पंखा भोग करना है, तो पंखा ही तो खोला था, मुझे गर्मी लग रही थी। तो मैंने उसे पूछा कि अच्छे मुझे बताओ कि पंखा खोलने से पहले सोचा क्या था? मतलब इट्स अ सिंपल थिंग कट, बट दैट्स अ एनिमल, वो एनिमलिस्टिक रिफ्लेक्स है, गर्मी लगी कट हो गया। वो तो एनिमल ऐसे काम करता है नहीं, बिना सोचे समझे खाना देखा खा लिया, उसको देखा भाग दिया, उसको देखा भाग गए, पंखा देखा वो देखा खट खोल दिया। उसने कहा मैंने ऐसे कहते गर्मी लगी कुछ समझ बस मैंने खोल दिया। इसको कहते हैं भोग, जब बिना कुछ सोचे समझे काम किया जाए रिफ्लेक्स से, उसको कहते हैं भोग। उसमें आपको खुद ही पता नहीं लगेगा कि आप सेंस एंजॉयमेंट कर रहे हो, आपको खुद ही समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है, क्योंकि एक्चुअली वो सेंस एंजॉयमेंट आपको प्रेरित कर रही है। गर्मी लग रही है ना, तो क्रेविंग है ना वो आपके अंदर, गर्मी लग रही है आप ठंड चाहिए, उसने आपको इंस्पायर किया वो बटन दबाने, प्रेरणा स्रोत्र क्या है करने का, क्रेविंग समझते हैं आप लोग। भगवान गीता में क्या पढ़ स्थान कर रहे हैं क्रेविंग को, एक बार क्या कहते हैं हिंदी भोगेश्वर नाम क्रेविंग यू अंडरस्टैंड क्रेविंग ना। तो मैंने तुमने तो नहीं सोचा है कि तुम्हारे पंखा खोलने का प्रेरणा सूत्र क्या है, इसलिए एक डिवोटी भी पंखा खोलता है ऐसी बंदे हम भी खोलते हैं, मगर हम सोच के खोलते हैं कि हाँ ठीक है हम पंखा गर्मी हो रही है पंखा खोलेंगे तो थोड़ा माइंड पीसफुल होगा, और फिर हम उस टाइम को सेवा में इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं खोल के फिर चित होगा, दैट्स अ बैड थिंग। मतलब विदाउट थिंकिंग एनीथिंग अबाउट कृष्णा, दैट्स अ वेरी बैड। तो उसको समझ नहीं आया, वो तो परेशान हो गया, वो घर चला गया उसके लिए शॉक था एक्चुअली। सो मैं समझाना चाहता हूँ कि ये चीज़ें आप ना इंटेलिजेंस समझ जाओगे तो नहीं आएगी। मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया, बट ये फीलिंग से चलता है चीज़ें कि हाँ भाई मैंने ऐसे रिफ्लेक्स से कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, यू स्टार्ट हेटिंग योर सेल्फ टू डू ऑल दिस थिंग्स। वो अपने से हेट हो जाएगी कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं तो एनिमल की तरह बिहेव कर रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं मतलब ये ह्यूमन थोड़े ना ये। सो आई हैव टू थिंक अबाउट कृष्णा एंड देन डू थिंग्स, और मुझे सोचना पड़ेगा हर एक्शन के पीछे इंस्पिरेशन क्या है। अगर इंस्पिरेशन धर्म है, अगर इंस्पिरेशन भक्ति है तो करो। अगर आपको रात को लग रहा है पंखा खोल के मैं सोऊंगा और अच्छी नींद आएगी और फ्रेश होके फिर दोबारा से भक्ति करूँगा, गुड, इंस्पिरेशन भक्ति करना है ना अल्टीमेटली। कॉज ऑफ ऑल कॉजेज इज डिवोशन। अगर वो खत्म हो गया तो उसके लिए थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए होगी, आप इमीडिएटली नहीं कर पाओगे सारी चीज़ें, थोड़ा टाइम चाहिए। सो मैं पॉइंट ये बता रहा हूँ कि
भोग ना करना भी अगर फीलिंग से चलोगे तो स्पॉन्टेनियस होगा, इंटेलिजेंस चलोगे तो भूलते रहोगे। इसलिए भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं कि एक पॉइंट आना चाहिए लाइफ में, यू शुड स्टार्ट हेटिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन, नॉट अवॉइडिंग। अवॉइडिंग और हेटिंग में बहुत फर्क है। अवॉइडिंग इंटेलिजेंस से होता है, हेटिंग फीलिंग से होता है। जब तक आप हेट के लेवल पे नहीं पहुंचोगे तब तक पूरी चांसेस है आप फंस जाओ। अवॉइड कर रहे हो ना, कब तक करोगे? हैं? हाँ, तो बस क्योंकि अवॉइड कर रहे हैं तो शुरू में तो अवॉइड ही करोगे आप, नहीं करना, खराब है। बट हाउ मच यू कैन अवॉइड, बट हेट होना शुरू हो जाएगी फिर आप खुद ही नहीं करोगे। तो अगर शास्त्र भी कहेंगे भोग करना अच्छा, आप कहोगे भाई मैं कर ही नहीं सकता, नहीं कैसे करोगे। जैसे हम ब्रह्मचारी हैं तो वी हेट मैरिज पर्सनली, मतलब हमें तो करना ही चाहिए ना, अगर हम भी हसीन सपने बनाने लगेंगे तो हमारा क्या होगा। सो वी डोंट अवॉइड मैरिज, वी हेट मैरिज। ऑफकोर्स हमें प्रीच नहीं करते, एस्पेशली हाउस होल्डर्स को, वी आर नॉट सपोज टू डू दैट, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है। बट बिकॉज वी हेट मैरिज तो हम कभी कभी शास्त्रों में पढ़ते भी हैं कि गृहस्थ आश्रम अच्छा है और वाइफ भी डिवोटी है, कश्यप मुनि और उनकी वाइफ, उन्होंने अच्छी, बट तो हम पढ़ते हैं कि मतलब इट्स गुड एंड धर्म के अकॉर्डिंग चल सकते हो, बट हम कर ही नहीं सकते क्योंकि हमें हेट है, वी डोंट लाइक दैट। और वही ब्रह्मचारी रह सकता है जो हेट करता है, अदरवाइज यू कांट बी ब्रह्मचारी। जो संसार में काम करना हेट करता है, अगर हमें जॉब करने को बोलो मैं भीख मांग लूंगा, जॉब नहीं कर सकता, देख लेना, हो ही नहीं पाएगा। हम हेट ही करते हैं, हम नहीं कर सकते, और ना हमारे धर्म में लिखा है रिनंशिएट को नहीं करना चाहिए ना। हाउस होल्डर्स के लिए इंजंक्शन मिली है कि वो हेट करें जॉब के, अदरवाइज तो बैंडी बच जाएंगे, आप कैसे करोगे। बट इवन हाउस होल्डर्स कैन डू दैट, हार्ट में वो हेट होनी चाहिए, ये सब बकवास है। बट द सेम टाइम हाउस होल्डर जॉब इसलिए करेंगे क्योंकि उनका धर्म, यू सी। तो इंस्पिरेशन जॉब करने का इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि आप हेट ही कर रहे हो, आप नहीं करना चाहते। जॉब करने की इंस्पिरेशन है आपका धर्म, चेंज हो गया ना। जब धर्म इंस्पिरेशन आ गया तो जॉब करना भोग नहीं हुआ। अगर आप इंटरेस्ट से कर रहे हो तो इंस्पिरेशन इंटरेस्ट है, फिर आपका जॉब करना भोग बन गया। सो भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं कि हार्ट में तो हेट ही होनी चाहिए, संसार के लिए, जॉब के लिए, मैरिज के लिए, सब चीजों के लिए। रिनंशिएट को कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाउस होल्डर्स रिनंशिएट तो अंदर भी हेट रखता है बाहर भी, उसे आप पूछोगे भैया गेट आउट। हाउस होल्डर्स अंदर हेट रखता है, बाहर से अपना काम करता है, धर्म के रास्ते पर चला। जब तक उसको हाउस होल्ड लाइफ में रहने वाला तो फंस जाओगे आप, वरना क्या करोगे? वरना आप जॉब करोगे, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, कर रहे हो, आप सोच रहे हो नहीं ज़्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, मगर धीरे धीरे अगर आप एसोसिएशन छूट गई तो फिर से किसी ने कहा कि भाई नहीं अच्छा है, थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, थोड़ा कर लो, फिर से माइंड आउट होगा, आप फिर से जॉब में जाओगे। तो एक लिमिट्स क्रॉस होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो सारे डिवोटीज ऐसे ही करते हैं, जैसे बॉडी है, तो क्या करोगे? बॉडी को क्या करना चाहिए? शुड लाइक बॉडी और हेट बॉडी और अवॉइड बॉडी, क्या करना चाहिए? एवरीबॉडी शुड हेट फ्लैश एंड ब्लड इन क्राइस्ट। फ्लैश एंड ब्लड किसको अच्छा लगता है? फ्लैश एंड ब्लड नहीं, बॉडी डिस्गस्टिंग है नहीं। अगर आपको बॉडी थोड़ी सी भी अच्छी लगने लगी तो लस्ट से आप निकल नहीं सकते, इम्पॉसिबल। शुड हेट फ्लैश एंड ब्लड, डिस्गस्टिंग है, क्या है ये सब बकवास है ऐसा। बट नेवर देलेस हम इसमें पढ़े तो प्रभुपाद अपने एक पॉपर्ट में लिख रहे हैं कि ऑल्दो वी हेट दिस बॉडी, ऑल्दो दिस इज फुल ऑफ स्टूल एंड ब्लड एंड यूरिन, ऑल्दो इट इज टू बी कंज्यूम्ड बाय वॉर्म्स एंड टू बी टर्न्ड इनटू डस्ट, नेवर देलेस स्टिल वी टेक केयर ऑफ इट बिकॉज जस्ट टू सर्व कृष्ण, बस समझ रहे। तो हमारा धर्म है ना भगवान की सेवा करना,
तो धर्म को प्रेरणा स्त्रोत बना के हम शरीर के ख्याल रखते हैं, इंटरेस्ट को प्रेरणा स्रोत बना के नहीं करते। यू सी द पॉइंट, क्योंकि बॉडी का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा, आप चाहे कुछ भी कह लो अवॉइड नहीं कर सकते। घर को अवॉइड कर सकते हो, वाइफ को अवॉइड कर सकते हो, बच्चों को कर सकते हो, जॉब को कर सकते हो, पैसे को कर सकते हो, बॉडी को कैसे करोगे? सो बॉडी भक्ति में ही वो एक तरीका है कि आप बॉडी का ख्याल रख सकते हो बिना फंसे, और किसी प्रोसेस में तरीका नहीं। मतलब आप किसी भी, आप जैनिज्म में चले जाओ, बुद्धिज्म में चले जाओ, कोई तरीका नहीं है कि आप बॉडी का ख्याल रखो बिना सेंस ग्रेटिफिकेशन के। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं, योगीज लोग और ज्ञानी बुद्धिज्म जैनिज्म कहते हैं भी आप आके बॉडी के लिए मिनिमल काम करो, यही बोलते हैं ना, मिनिमम खाओ मिनिमम करो और अपना मेडिटेशन करो, ठीक है। बट वो मिनिमम भी तो भोग है नहीं, क्योंकि वो मिनिमम जो बॉडी के लिए कर रहे हो क्यों कर रहे हो? उसका प्रेरणा स्रोत क्या है? ये भी हमें बॉडी को संभालना है कि मुझे जो भी एनलाइटनमेंट प्राप्त करनी है, ठीक है, दैट्स ओके। बट अल्टीमेटली वो अपने लिए तो हो रहा है, मुझे करनी है। हाँ, अगर आप महायाना बुद्धिज्म में हो तो थोड़ा चेंज हो सकता है, दे ट्राई टू बिकम परफेक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द वर्ल्ड, वो बात अलग है। बट अपने लिए करना, संसार के लिए करना स्वार्थी है नहीं, एक तरह से भगवान के लिए करने से आप स्वार्थ से बाहर निकलोगे। यू अंडरस्टैंड? सो भक्ति इतनी अच्छी है कि आप बॉडी का ख्याल भी रख सकते हो और अटैच भी नहीं हो, बॉडी को हेट भी कर सकते हो, नेवरदलेस उसका ख्याल भी रख सकते हो, सिंपली बिकॉज हमें भगवान की सेवा करनी है और सेवा करने में यूजफुल है, तो ठीक है, तब तक ख्याल रखते हो। जब नहीं जरूरत होगी तो छोड़ देंगे, और क्या, तब तक करते रहो, यूज कर लो, उसमें क्या है। सो दैट्स, तो भोग ना करने में फीलिंग चाहिए, भगवान की शरण लेने में भी फीलिंग चाहिए, सिर्फ इंटेलेक्चुअल से काम नहीं चलेगा उसमें। तो कृष्णा इज माई मास्टर, नहीं, मैंने बताया ना दास अभिमान, तो वी हैव टू फील प्राउड कि हम सर्वेंट ऑफ कृष्णा है। तो ये क्या है, ये फीलिंग ही तो है, प्राइड क्या, फीलिंग ही तो है, इंटेलेक्चुअल एडजस्टमेंट थोड़े ना है वो। और फिर उसके बाद मतलब जो भी उद्धव ने सजेस्ट किया, सारी चीज़ों में बेसिकली फीलिंग चाहिए। बट फीलिंग्स लाने के लिए आपको शुरू में इंटेलिजेंस यूज करनी पड़ेगी, इतनी इमिजिएटली फीलिंग्स नहीं आए। आप अपने बॉस की सेवा करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, धीरे धीरे फिर अटैच हो जाओगे, धीरे धीरे फीलिंग्स डेवलप होती है नहीं होती है। शुरू में तो इंटेलिजेंस लगा के सेवा करते हैं, यहाँ भी सेवा करनी चाहिए, मेरा धर्म, मतलब मेरा धर्म क्या, मुझे करना चाहिए, मुझे कुछ मिलेगा, या अच्छी बात है, अच्छा काम है, नहीं सोच सोच के तो करते हैं, या मैं छोड़ के चला जाऊँगा तो मेरा क्या होगा, तो कौन ख्याल रखेगा। सो दैट्स ऑल, सो इसलिए ट्राई टू कम टू द लेवल ऑफ फीलिंग्स, और वो भागवतम पढ़ के आएगी, क्योंकि ये डिवोटीज है ना जिनके बारे में पढ़ रहे हैं, वो फुल फीलिंग से, इमोशन से, कृष्णा कॉन्शियसनेस से भगवान से इंटरेक्ट करते हैं। सो ये देख देख के हमारे भी आ जाएगी, फीलिंग्स तो ऐसी तो आती हैं, फीलिंग्स ऐसे आती हैं, देख के तो आती हैं, नहीं देख के फिर एक्सपीरियंस होता है, फिर आती है। जैसे मूवीज आप देखो तो आपके फीलिंग्स आ रही हैं, तीन घंटे में आप कुछ और हो जाओ, नहीं, आपने एक्शन मूवी देखी, आप बच्चों को दिखाओ बस बाहर आएंगे, डिशम चालू, इंटेलिजेंस थोड़ा ना सोच रहा है वो देख के, वही वो उसके माइंड में फीलिंग है, जोश नहीं आ जाता, फीलिंग ही तो है और क्या है। या जो ये लोग, जितने भी जो लोग आपके ये लोग जो हैं मैनेजमेंट गुरुज, और ये फीलिंग्स ही तो आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, इंटेलिजेंस कुछ नहीं कर रही है, ये ऐसे ऐसे ये लॉजिक्स तो दे रहे हैं, अल्टीमेटली उनको यूज कर रहे हैं आपकी फीलिंग्स को पंप अप करने के लिए, नहीं तो उसको लगता है मैं कर सकता हूँ, यस मैं हो सकता हूँ, भैया अब तो तीन घंटे में तू कैसे कर सकता है, तीन घंटे पहले तो बकवास है, तू कुछ तो बदला नहीं, सेम सिचुएशन है और तू कैसे कर लेगा। सो इट्स ऑल फीलिंग्स, इसलिए उद्धव कह रहे हो, माय लॉर्ड, ट्रांसेंडेंटल पोएट्स एंड एक्सपर्ट्स इन स्पिरिचुअल साइंस कुड नॉट फुली एक्सप्रेस देयर इनडेप्थनेस टू यू इवन इफ दे एंडोर्ड विद प्रोलॉन्ग्ड लाइफ टाइम ऑफ ब्रह्मा। सो नैव अप्यन्ति अपचित्तं कव्यस्तवैष ब्रह्म आयुषपि कृतं वृद्ध मूढ़ स्मरन्तः। उद्धव कह रहे हैं कि चाहे कोई कितनी भी भक्ति कर ले, आप करोड़ों जन तक भी भगवान का ऋण चुका नहीं सकते। पता है क्यों नहीं चुका सकते, क्यों नहीं चुका सकते? उद्धव कह रहे हैं क्योंकि
externally you appear as Acharya and internally you appear as Super Soul to direct him how to come to you. So आपका ऋण कभी नहीं चुकेगा, बल्कि बढ़ता रहेगा. देखना कितनी भक्ति करोगे, क्योंकि जब आप भक्ति कर रहे हो तो आपको रास्ता कौन दिखा रहा है? भगवान दिखा रहे हैं, परमात्मा के रूप में और आचार्य के रूप में. तो आप भक्ति कर रहे हो, आप भक्ति क्यों कर रहे हो? भगवान का ऋण चुकाने के लिए ना, कि भगवान कितने अच्छे हैं, उन्होंने इतना कुछ किया है. तो आप भक्ति कर रहे हो, मगर उस भक्ति करने में आपने तो एक कदम लिया, भगवान ने 100 कदम दिए, तो ऋण और चढ़ गया. फिर आपने कहा मैं ऋण चुकाऊंगा, आपने दूसरा कदम लिया, भगवान ने 200 कदम लिए. तो जितनी भक्ति करोगे उतना ऋण चढ़ता रहेगा चढ़ता रहेगा. इसलिए उद्धव कह रहे हैं कि इम्पॉसिबल है ऋण चुकाना, बल्कि आप ऋण में और दबते रहोगे दबते रहोगे दबते रहोगे, और फिर भी भगवान कहेंगे कि मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता, मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता. उल्टा भगवान है, ये भगवान है. भगवान निरअहंकार निरअभिमान, अहंकार का लेश नहीं है. भगवान इतनी हेल्प करने के बाद भी भगवान कहते कि मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से लाइक दैट. नहीं मतलब आप, मतलब आप अपने बच्चे को कभी नहीं कहोगे मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता. कहोगे कभी? कहते हैं तो कभी नहीं, तो आप सोच भी नहीं सकते ऐसा, क्योंकि मतलब वो आप कहोगे नहीं मिले, ये तो नॉनसेंस है, प्रपोजल ही नॉनसेंस है. बट भगवान ऐसे हमारे हमें कहते हैं कि मैं तुम्हारा, क्यों कहते हैं ऐसा? क्या गप मार रहे हैं क्या? ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब ऐसा है ही नहीं तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? या फ्लैटर कर रहे हैं, खुश खुश कर कहने के लिए बोल रहे हैं? भगवान कभी झूठ नहीं बोल सकते, परम सत्य है. नहीं उसमें सत्य है, मगर क्या सत्य है? दैट यू हैव टू फिगर आउट. तो बता सकते हैं क्या सत्य है? और मैं यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ बस. क्या सत्य है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम्बलनेस से भगवान ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना. क्या ट्रूथ है उसमें? डिवोटी से क्या है? भगवान भगवान ही कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता. क्यों कह रहे हैं? ठीक है, एक तो पॉइंट ये है, क्योंकि अगर भक्त नहीं होगा तो फिर कुछ होगा ही. मतलब ये भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि भगवान का ऋण चढ़ गया उस पर. ये भी कॉन्सेप्ट कहाँ से लाओगे भैया? किसी पे ऋण चढ़ाने के लिए वो बंदा तो होना चाहिए, है नहीं? तो भगवान का ऋण चढ़ गया, ये बोलने वाला ही कोई नहीं होगा. दिखा तो भगवान, भगवान कह रहे मैं तुम्हारा ऋणी हूँ क्योंकि तुमने एग्जाम्पल सेट किया है कि भक्ति में जब कोई भक्ति करता है तो भगवान का ऋण उस पर चढ़ जाता है. तुम्हारे एग्जाम्पल से लोगों को समझ आ रहा है, यू सी द पॉइंट? इसलिए भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा ऋण. एक कारण है, मतलब भक्त के बिना भगवान भी एग्जिस्ट नहीं करते, कैसे होगा एग्जिस्ट? मतलब इस संसार में कौन बताएगा? बिना बिना प्रजा के राजा तो कोई मतलब है ही नहीं. क्या होगा और क्या है? और क्यों कहते हैं? मतलब सिर्फ एक ही कारण है भगवान के पास? एक ही कारण होता है, इनफाइनाइट कारण है. क्या देंगे भगवान? इनफाइनाइट है ना. सो आप एक कारण और बता दो बस, इनफाइनाइट बताने की जरूरत नहीं है. एक कारण और बता दो, क्यों कह रहे हैं भगवान? अब यही सोचना होता है, पता है, जो मतलब हम कहते हैं ना कि भक्तों के बीच में चर्चा होनी चाहिए, मत चित मत रहता प्राण बोध हंत परस्परम. सिर्फ अच्छे डिवोटीज मिलते हैं तो यही चर्चा करते हैं, तब पूरा पूरा दिन निकल जाता है. और जब नए डिवोटीज मिलते हैं तो बस हाँ भाई क्या पढ़ा इस श्लोक बोलते हैं, हाँ ठीक है चलो अभी लाइम जूस पीते हैं आप, ठीक है आप ऐसा हो गया. उनको पता नहीं लगता क्या चल रहा है, क्योंकि डीप थाट नहीं है ना. सो कभी भी चर्चा करनी है तो आपको डीप थाट सोचना पड़ेगा कि भाई क्यों कर रहे हैं भगवान. जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं एवेति
तत्वता। सुना है श्लोक में, जो मेरे जन्म और कर्म को समझ लेगा एज इट इज, उसको इस संसार से मोक्ष मिल जाएगा, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अब हम यही समझने की तो कोशिश कर रहे हैं भगवान को, कर्म को समझ रहे हैं ना, क्यों है सो क्यों है, कौन क्या कौन बताएगा, अदरवाइज नहीं बता आप लोगों को। अगली क्लास के लिए छोड़ दो, ठीक है सोच के आना, दो रीजन और सोच के आना, तो सोचना होना चाहिए आपको, तो जस्ट राइट इट एंड हम अगली क्लास करेंगे। सो दो रीजन और बताना कि भगवान क्यों कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता। एक रीजन तो बता दिया मैंने, मतलब बता दिया, सोच के आना। हरे कृष्णा।